वेलकम टू माय चैनल। हेलो, आज की ड्राइंग बनाने से पहले हम थोड़े स्केचेस देख लेते हैं। ओके, तो मैं बनाने वाला हूँ एक डायनासोर एंड एक बकरी यानी गोट। शुरू करने से पहले हम थोड़ा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। पेजेस, पेंसिल, इरेजर, क्रियॉन्स जो कि बहुत सस्ते हैं। इतने सारे कलर्स हैं पर सबका यूज नहीं करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द ड्राइंग। सबसे पहले इसकी आउटलाइन जो कि बेसिक शेप्स है, ये लगभग इस तरीके के बनाऊंगा। बेसिक शेप को बड़ा छोटा कर सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं है, पर ध्यान रखना कि बकरी छोटी ही हो। इसके बड़े बड़े पैर, एक मोटी सी लंबी पूंछ और इसके ऊपर थोड़ी टेक्सचर। बकरी के कान बहुत लंबे हैं और इसके सींग उनसे भी लंबे हैं। और जो बकरी का एक्सप्रेशन एंग्री है। डायनासोर का एक्सप्रेशन थोड़ा गंभीर या फिर डरा हुआ है। डायनासोर की स्मेल थोड़ी क्यूट रखेंगे और इसके दांत को भी शो कर देंगे और इसके दांत भी थोड़े शो कर देंगे ताकि थोड़ा सा डेंजर लुक हो। आईज का एक्सप्रेशन एंग्री रखना है। इसके थोड़े से दांत भी दिखा देंगे अपन। अब जब मैं इसको कलर करने वाला हूँ तो सबसे पहले कैरेक्टर का जो मेन कलर है जैसे कि रेड वो करेंगे। Thank you.
येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन एंड पर्पल का यूज़ भी करेंगे। शेडो के लिए डार्क कलर और लाइट एरिया के लिए सरफेस पर येलो या ऑरेंज करेंगे। डार्क ग्रीन फॉर आईज, एक्चुअली ब्लैक भी कर सकते हैं पर ब्लैक कलर से दूसरे कलर ज़्यादा ठीक लगते हैं। इसी तरह से बकरी में स्काई ब्लू, पर्पल, रेड एंड पिंक। Red for horns. तो अपने कैरेक्टर्स रेडी है। अभी इसका ग्राउंड, एंड शैडो ऑन द ग्राउंड थोड़ी ग्रासेस ऑन द ग्राउंड। बैकग्राउंड में स्काई ब्लू कलर करेंगे। सो ये
सो यह है कोट बकरी की तरफ से, यानी गॉड की तरफ से, हाउ डे यू कम इन माई एरिया। एंड यू हैव इट डायनासोर एंड द गॉड। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे कार्टून्स एक स्टोरी को कहते हैं। डोंट फॉरगेट, आर्ट खुद को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है। सो आप आराम से इस ड्राइंग को बनाइए। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फन आर्ट ट्यूटोरियल। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड हैप्पी ड्राइंग। बाय बाय।